और यहाँ ये आ गया। देखिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। एग्री एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। आज माई सेल्फ डॉक्टर आर के सोनी, जो पिछले 2007 से एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन पढ़ाते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो अपना टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या डाटा पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हम बात करते हैं पशुपालन की, किसकी बात करेंगे बच्चों? पशुपालन। सबसे पहले जो पशुओं का पालन जो किया जाता था, किसके लिए किया जाता था कि भैया इसके मांस हमें प्राप्त करना है खाने पीने के हिसाब से, 6000 ईस्वी पूर्व। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता गया, पशुपालन को अपन क्या है, राजस्व के रूप में काम में लगने लग गया। जब भारत 1947 भारत आजाद कब हुआ बच्चों? 1947 में जब आजाद हुआ, जैसे ही भारत के आजाद होने के 2 साल बाद, कितने साल बाद बच्चों? आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 10 ईयर क्या घटना घटित होती है 1947 में? क्या हुआ बच्चों? भारत आजाद हुआ, उसके 2 साल के बाद हम बात करते हैं आफ्टर 2 ईयर। यदि 1949 की हम बात करते हैं तो 1949 1949 में क्या हुआ, अजमेर जो है वहां पर राजस्व मंडल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बच्चों? राजस्व मंडल। किसकी? राजस्व मंडल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्व मंडल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, कई बार कृषि प्रवेश में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्व मंडल राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्व मंडल की स्थापना हुई अपने कब हुई बच्चों? 1949 में हुई। और कहाँ स्थित है राजस्व मंडल बच्चों? अजमेर में स्थित है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे ही 1947 में हमें ये याद रखना है कि 2 साल बाद तो क्या हुआ बच्चों, राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी बच्चों? अजमेर में। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चों पशुओं का देख रहे हैं उसका डिपार्टमेंट जो होता है, उस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि क्या क्या हम पशुओं के बारे में बीमारियों की कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कैसे होगा, कितने जिले में कितने पशु हैं, कहाँ कितनी कमी आई है, तो जनगणना अपने कहलाती है। तो उस हिसाब से जो आफ्टर 10 ईयर क्या बच्चों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके 10 साल बाद की हम बात करते हैं, तो जब 1947 में अपन 10 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1957। तो राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपालन विभाग कहाँ पर स्थित है या पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो हम यह बोल सकते हैं बच्चों, पशुपालन विभाग की स्थापना जो है, पशु पालन विभाग की स्थापना कब हुई बच्चों? 1957। और अपनी राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? जयपुर। जयपुर में ये इसका स्थापना हुई है, और ये है लाल कोठी। कहाँ पर है बच्चों? पशुपालन विभाग लाल कोठी। आगे बात समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए गए। पुराने पेपर आप उठा के देखिए, हम आपको पेपर देंगे, सारे पेपर अपने पास अवेलेबल है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद ही क्या है डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ, पूरा एनिमल टिप्स पे याद है। और एनिमल की बात करें, कोई से सब्जेक्ट की बात करें, तो आपका क्या है क्लास में ही सारी डाटा याद हो जाएंगे। अपना पर्पज है, ये क्लास नहीं है, लाइब्रेरी है। जैसे आप यहाँ आओगे तो ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी, ऐसा कोई सा टाइटल नहीं होगा जो आपको याद ना हो। जैसे गेट से आप कोचिंग से बाहर निकलेंगे, वो पिक्चर परमानेंट आपके दिमाग में बैठेगी, आप बिना देखे ही बता देंगे इसका स्थापना कब हुई, कहाँ पर राजस्व मंडल है, क्यों हुई, सब कुछ आपको पता होगा। उसकी नस्लें में मैं आपको बता दूंगा, उसकी बीमारी में आपको बता दूंगा, उसका ट्रीटमेंट में आपको बता दूंगा, सारी चीजें टिप्स पे, सारी चीजें क्या होगी अपने टिप्स पे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चलेंगे। तो हमने देखा कि भाई 1947 में क्या हुआ बच्चों, भारत आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद कौन हुआ, राजस्व मंडल बना, और कहाँ पर बना बच्चों?
अजमेर में, लेकिन जब पशुओं की गणना वगैरह करने लगे, पशुओं के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगी, तो एक इसका अपन ने विभाग तैयार किया, उस विभाग को बोलते हैं पशुपालन विभाग। क्या बोलते हैं बच्चों? पशुपालन विभाग। उसको बनने में टाइम लग गया, कम से कम कितने साल लग गए बच्चों? 10 साल। तो हम कह सकते हैं 1957, क्या बच्चों? 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई, कहां? जयपुर में। कहां पर हुई बच्चों? जयपुर में। आगे बात समझ में? अगला, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है बच्चों, आजादी से पहले और आजादी के बाद क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर जो होता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता है साहब पहली पशु गणना की हम बात करते हैं, तो पहली पशु गणना आजादी से पहले कब हुई और आजादी के बाद कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है, और प्रथम जनगणना कब हुई यह भी पूछा गया है कि पशुओं को कब काउंटिंग की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बता सकते हैं आप दोनों में से कोई? आजादी से पहले 1919 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1919 में की गई थी। जबकि आजादी के बाद पशुओं की गणना जो की गई वो कब की गई? राजस्थान में 4 साल लग गए। गाय, भैंस, बकरी, रेबिट, खरगोश की हम बात कर लें, सुअर की हम बात कर लें, बफेलो की हम बात कर लें, गाय की हम बात कर लें, अपने ऊंट की बात कर लें, सबकी कितनी चार टांगे होती है? कितनी टांगे होती है? चार। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, कब हुआ आजाद? 1947। तो उसमें चार जोड़ लो, क्या हो गया बच्चों? कितना हुआ? 1951। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या पूछा गया, आजादी के बाद और आजादी से पहले पशुओं की जो गणना की गई कौन से ईयर में की गई, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। कृषि प्रवेशक में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? आजादी के बाद प्रथम पशु गणना कब की गई? हमें पता है गाय, भैंस, बकरी सबकी कितनी टांगे होती है? चार। तो 47 में भारत आजाद हुआ, उसमें चार जोड़ लो, तो 1951। क्या हो गया बच्चों? 1951। तो हम क्या बोलेंगे आजादी के बाद क्या हो गया बच्चों? 1951। हम बात करें आजादी से पहले बात करें तो 1919। आगे बात समझ में? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, पुराने पेपर आप उठा लीजिए, आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। अब चले, जब भी हम पशुओं की गणना करते हैं, पशुपालन विभाग रायत मंडल जब इनका योगदान होता है, तो जब पशुओं की गणना होती है तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली, क्या पूछी जाती है बच्चों? रिसेंटली, रिसेंटली मतलब करंट में, अभी पशु गणना कौन से नंबर की स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं की जो गणना की गई है अभी कौन सी चल रही है, क्या होती है? हर 5 साल में काउंटिंग होती है, क्या होती है बच्चों? पांच काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, हर 5 साल में। किसमें होती है बच्चों? 5 साल में। तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंपेरेटिव चार्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक विवरण देखेंगे कि भाई 19वीं पशु गणना में क्या था और 20वीं में क्या था। अब देखिए जब पशुओं की गणना की जाने लगी 19वीं की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अभी कौन सी चल रही है? 20वीं चल, कौन सी चल रही है बच्चों? 20वीं चल रही है। अब कौन से ईयर में हुई थी ये? 2019। कितने में हुई है बच्चों? 19 में। ये आपको याद रखना है, भूल गए आप डाटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे वो परमानेंट आपके मेमोरी में बैठा होगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। अब 19वीं जो है भाई 2012 कब हुई बच्चों? 12। जब अपन पशुओं को गिनने लगे तो राजस्थान वालों की हालत खस्ता हो गई, 12 बज गई सबकी, क्या बज गई बच्चों? 12। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपके 19वीं और 20वीं पे क्वेश्चन आता है, किस पे आता है बच्चों? पशु गणना 19 और 20 पे आता है। जब हम बात 20वीं की कर रहे तो 20 में से एक कम किया, तो बच्चों 2019 और ये 2012। हमें पता है हर 5 साल में होती है, क्या होती है बच्चों? हमें यह भी कॉन्सेप्ट ध्यान है,
हर 5 साल में क्या होती है, पशु गणना होती है, हर 5 साल में होती है। जब हमें पता है 19वीं पशु गणना 2012 में हुई तो 17 में होनी चाहिए थी, 17 में क्यों नहीं हुई, क्या रीजन था इसके पीछे? क्या हुआ बच्चों, जब हमने काउंट किया कि 2012 में जब 19वीं पशु गणना हुई तो भैया 17 में क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण था? तो देखिए बच्चों, जब हमने देखा कि भैया 17 में होनी चाहिए थी, 2 साल एक्स्ट्रा क्यों लग गए? देखिए 2 साल एडिशनल टाइम क्यों लगा इसके पीछे देखिए, हमारा जो विभाग है, कौन सा विभाग है बच्चों? पशुपालन विभाग है। उसमें यूडीसी लेवल के ले लो, एलडीसी लेवल के देख लो, वेटनरी डॉक्टर देख लो, वेटनरी असिस्टेंट देख लो, वेटनरी रिसर्च सर देख लो, उन सबको एक काम दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? काम दिया गया, सबको टेबलेट बांटे गए, किसी को लैपटॉप दिया गया, किसी को मोबाइल दिया गया, उन सबको ऑनलाइन सर्वे किया गया। जो मैं आपको डाटा बताऊंगा पशुपालन विभाग की वेबसाइट से बताएंगे, किताबों में आपको हर जगह गलत मिल सकता है, किताब पे अपन को ध्यान नहीं देंगे। मेरा एक एक डाटा जो होगा पशुपालन विभाग की वेबसाइट से मिलेगा, कहीं ऊपर नीचे होता है तो वो आपकी गलत है, किताबों में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, टीचर को प्रूफ करने का टाइम नहीं मिल पाता, टीचर्स को क्या होता है प्रूफ करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो अपना जो एक एक डाटा होगा वो क्या होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा। हमें पता है 19वीं पशु गणना कब हुई, 2012, होनी कब चाहिए थी, 17 में, जो अभी चल रही है हुई कब है, 19 में। होने का कहा डाटा कलेक्शन बाय वेबसाइट, सभी बाबुओं को, सभी वेटनरी डॉक्टर को, सभी नीचे का जितना भी स्टाफ है उन सबको टेबलेट दे दिया गया। क्या दे दिया गया बच्चों? टेबलेट दे दिया गया, और उनमें क्या किया गया, जितने भी एनिमल है, ऊंट गाय भैंस बकरी, सबका डाटा फीड करने की एक्सेल शीट दे दी गई, उसको आप फीड कीजिए। इसलिए 2 साल एडिशनल लग गए, होती हर 5 साल में, इसलिए क्या हो गया 2 साल एक्स्ट्रा लग गया, 2019 में आ गई। आगे बात समझ में। अब जब ये जनगणना चल रही थी 19वीं और 20वीं की हमने बात करी, तो इसमें कंपेरेटिव चार्ट क्या आता है कि भैया 2 साल डाटा रिलीज हो गए, तो 19 में तो आपकी हो गई 20वीं पशु गणना, और 19 में हो गई बच्चों 2012 की 19वीं पशु गणना। ये एग्जाम में आप देखिए, पुराने पेपर उठाइए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे बात समझ आया या ना? चलो अगला, जब पशुओं को काउंट किया गया, क्या किया गया बच्चों, पशुओं को हम काउंट किया गया, तो टोटल पशु इन राजस्थान, हम बात करते हैं राजस्थान में अपने पशुओं की संख्या कितनी रही है 20वीं के अनुसार। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, 19 में कितनी थी, 20वीं में कितनी थी, बढ़ी है या घटी है? पशुओं की जनगणना क्या हुई है, बढ़ी है और घटी है? देखिए इसमें हम क्या बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे और भेड़ की बात करेंगे। ये चार पे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्या है ये फेवरेट है कि भैया नंबर ऑफ पशु कितने थे, कि गायों की संख्या 19 में कितनी थी और 20 में कितनी, भैंस 19 में कितनी थी और 20 में जनगणना में कितनी थी, बकरियां 19वीं में कितनी थी और 20वीं में कितनी थी, और भेड़ कितनी थी 19वीं में कितनी थी और 20वीं में, पक्का क्वेश्चन आता है आपका इसका। तो ऊंटों का ही पूछता है, सबका पूछता है, सब बताइए। ये चार तो इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊंट का मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद सुअर का मैं बताऊंगा, गधे का मैं आपको बताऊंगा, सारा कंपेरेटिव चार्ट अपना मिलने वाला। अब हम बात करते हैं कि टोटल पशु, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल पशुओं की संख्या 19 में कितनी थी और 20 में कितनी, और कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटोतरी हुई, कितना परसेंट हुआ, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। हमें यह ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, गाय और भैंस में तो बढ़ोतरी हुई, क्या हुई बच्चों, गाय भैंस तो बढ़ी है, बाकी सब क्या है घटी है मैक्सिमम। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है कि गाय भैंस तो बढ़ गई लेकिन बाकी के एनिमल्स क्या होगा, घट गए। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो घट गए तो मतलब वो तो क्या होगी, माइनस में आएगा, बाकी के सारे ये क्या आएंगे आपके, प्लस में आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, ये सारे प्लस में आएंगे। और टोटल पशुओं की हम संख्या की बात करते हैं, जब गाय भैंस बढ़ी है तो बाकी और भी है, गधे भी है, गधे भी बहुत सारे हैं, सुअर भी है, इधर से ऊंट भी है, तो इनकी संख्या क्या हुई है, घटी है। खरगोश भी है, तो इनकी संख्या क्या हुई है बच्चों, घटी है।
तो घटी है, तो घटी की मात्रा क्या हुई, घटी नीची है, तो हम बात करते हैं टोटल 20वीं जनगणना की हम बात करें तो इसमें टोटल पशुओं की संख्या क्या बच्चों कितनी है बताएं, कोई बता सकता है आइडिया, कोई बता सकता है टोटल पशु अभी राजस्थान में 20वीं जनगणना के अनुसार कितने हैं? अब तक 56 मूवी देखी है, अब तक 56 लोगों को मार चुके हैं, कितने लोगों को मार चुके हैं, पशुओं की बलि दे दी 56 लोगों की, एग्जाम में बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, टोटल पशुओं की संख्या 20वीं जनगणना के अनुसार कितनी है राजस्थान में, 56.8 मिलियन, कितने बच्चों 56.8, 20वीं जनगणना जो कि 2019 में हुई है, होनी 17 में चाहिए थी, लेकिन 2 साल एडिशनल लग गए ऑनलाइन डाटा चढ़ाने में, किसमें लग गया बच्चों ऑनलाइन डाटा चढ़ाने, इसलिए क्या आई 2019 में आई, 17 में आनी चाहिए थी, आनी कब चाहिए थी 17 में, आ गई क्या 19 में, तो अपने क्या बोलेंगे टोटल पशुओं की संख्या इन राजस्थान में कितनी बच्चों 56.8 मिलियन, कितनी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, शाबाश, 1 मिलियन में बच्चों कितना होता है, आप काउंट कर सकते हो, मिलियन को 10 लाख से गुणा कर दो, मिलियन को 10 लाख में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं जो आपको डाटा बताऊंगा मिलियन में उसको आप करोड़ में चेंज कर सकते हो, इधर करेंगे तो यदि हम बात करेंगे इधर तो इधर 10 क्या होगा 10 का भाग मल्टीप्लाई करोगे 56.8 × 10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 56.8 लाख आता है मल्टीप्लाई करने, तो अपन को यदि एक डाटा याद रख लोगे तो लाख में और करोड़ में अपना आप हो जाएगा, इधर हम करोड़ की बात करें तो करोड़ में क्या होगा 5.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों करोड़ में 5.6 हो जाएगा, हेलो हाँ कोचिंग हूँ बोलो, क्या कल का कहेगा, चलो अभी तो आज होगा ना तुम मैच तो, हाँ हाँ ठीक ठीक अब देखिए यदि 56.8 मिलियन है, 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, आया ना तो कितना हो गया 568 लाख, कोई दिक्कत, करोड़ में पूछे तो एक पॉइंट इधर लगा दो, यदि करोड़ की बात हो तो जो ये आपके था यहाँ बीच में जो पॉइंट लगा हुआ था उसको क्या कर दो 5.68 करोड़, आया ना, यदि हम बात करें लाख में 568 लाख, तो हमें इसकी ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ट्रिक क्या रखना, पॉइंट इधर लगाओ तो करोड़, उधर लगाओ तो लाख, आया ना, करोड़ कम होता है तो पॉइंट इधर लग गया और लाख ज्यादा होता है तो पॉइंट उधर लग गया, आगे बात समझे, तो हमें केवल एक डाटा याद रखना है मिलियंस वाला, क्या याद रखना बच्चों मिलियंस का, वो याद हो गया तो बिल्कुल सही हो गया। अब हमने देखा 20वीं पशुओं की गणना जब चल रही है तो पशुओं की जब हमने गणना की 20वीं की वो कब हुई 2019 में, 17 में होनी चाहिए थी लेकिन वेबसाइट पे डाटा डालने में कितने साल लग गए 2 साल लग गए, तो हमने देखा टोटल पशु कितने थे 56.8 मिलियन, कब थे ये 20वीं में, अब क्वेश्चन आता है 19वीं के हिसाब से कि कितनी बढ़ोतरी हुई है कितनी घटोतरी है, मैंने बोला था गाय भैंसे क्या होती है बढ़ती है उसके अलावा सब क्या होती है घटती, तो टोटल घटोतरी होगी बढ़ोतरी होगी टोटल पशुओं में घटोतरी, हाँ तो क्या हुआ जब हम बात करें जब हमने 20वीं में देखा तो 56.8 मिलियन, अब तक 56 कितने पशुओं को मार चुके हैं 56, तो 56.8 मिलियन क्या थे टोटल पशु थे 20वीं में करंट में अभी राजस्थान में, लेकिन जब हम 19वीं से कंपेयर करते हैं किससे करते हैं बच्चों 19वीं से हम काउंट करते हैं तो पहले 57.7 मिलियन थे, क्या थे बच्चों, जब हम बात करते हैं कि भैया अभी तो है 56.8 पहले ज्यादा थे 19वीं जनगणना 2012 में हुई थी हर 5 साल में हो रही है
तब तो हमें 57.7 मिलियन थे, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, तो कितने परसेंट की कटौती हुई? 1.6। टोटल हम देखें, इसको माइनस करो, टोटल का भाग लगाओ, तो कितने की करो माइनस दोनों को, 1.66। तो हम बोलो 1.66 की क्या हो गई बच्चों? घटोत्री हो गई। इतने लाख की क्या हो गई, मिलियन की क्या हो गई? घटोत्री। पहले इतने मिलियन थे, अभी करंटली 56.8 मिलियन है, दो और 19वीं में जब हम गणना करते हैं तो 57.7 थे। और मैंने आपको कौन से बताया, गाय वैसे बढ़ी है बाकी सब घटी, हाँ या ना? तो हमने देखा भैया इतने लाख की क्या हो गई, इतने मिलियन की क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई, घटोती होगी। तो उसको परसेंटेज में काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों? टोटल इतना था, इतने में घटोत्री है, 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कितने परसेंट की घटोत्री हुई, परसेंटेज निकल जाएगा, हाँ या ना? लिखो अब इतना, फिर आगे चलते हैं, लिखो। हो गया याद यहां तक? ऐसे आप याद करोगे तो डाटा कभी नहीं भूलोगे, ऐसे अपन याद करेंगे तो बच्चों, क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर हूं, मुझे पता कहाँ है, मैं आपको एक एक बीमारी, एक एक उसका इलाज, फोटो पिक्चर वाइज याद करा दूंगा यहीं पे, घर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आओगे तो आपको याद ही मिलेगा, और परमानेंट मेमोरी में। कहां पर बच्चों? परमानेंट मेमोरी में। और कोई सी बुक उठा लेना, एक क्वेश्चन बार नहीं हुआ, हर क्वेश्चन आपको आता हुआ इन कंटेंट में, ऐसा शानदार कंटेंट देने वाला, और कंटेंट तो होगा और साथ में पूरी जिंदगी याद रहेगा वो अलग, क्योंकि अपना पर्पज है बच्चों को याद कराना। ये याद है तो ऑप्शन टिक होंगे, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनोगे तो याद रखोगे, हमारा काम ही यही है, सरकारी नौकरी देना गॉड गिफ्ट है, ये तो एग्री एग्जामपुर को क्या गॉड गिफ्ट है, ऊपर का आशीर्वाद मिला हुआ है, जो बच्चे आएगा कम बच्चों में मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन देना है ना, पढ़ा तो चाहे तो टाइम पास करके तो कोई भी चल जाए, लेकिन हमारा क्या गॉड गिफ्ट है, हम ऐसा पढ़ाते हैं जिंदगी भर आपको याद रहे कि भाई हाँ ठीक है सिलेक्शन होगा और रैंक आएगी, ठीक है ना। और आप देखो अभी तो स्टार्टिंग है, पहला दिन है, जो मेरी पहली क्लास होती है और जो एंड क्लास होगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा भाई डेमो में तो अच्छा पढ़ा दिया और बाद में बुरा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता, ईमानदारी का पढ़ाते हैं, ईमानदारी का पैसा लेते हैं, ईमानदारी से मेमोरी में बिठाते हैं परमानेंट। लिखिए पशुपालन गणना है ना, पशु गणना का टॉपिक है। सबसे पहले 1947 में के 1947 के तुरंत दो साल बाद 1947 के तुरंत दो साल बाद तुरंत दो साल बाद 1949 में दो साल बाद 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में हुई। कब हुई? 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में हुई। जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके दो साल बाद तुरंत वो क्या हुआ है, राजस्व मंडल। एवं 10 साल बाद एवं 10 साल बाद 1957 में पशुओं की क्रांति हुई। 1857 याद है ना, उसी याद रखने की ट्रिक है। 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई, पशुओं की क्रांति हुई, या याद रखने की ट्रिक क्या होगी, पशुपालन विभाग की स्थापना हुई। देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके दो साल बाद कौन बना, राजस्व मंडल, और 10 साल का टाइम किसमें लगा, पशुपालन विभाग में। और कहां बना, पशुपालन विभाग की स्थापना जयपुर में हुई। कहां हुई बच्चों? जयपुर। आ गया कॉन्सेप्ट, राजस्व मंडल अजमेर, पशुपालन विभाग जयपुर, राजस्व मंडल दो साल बाद और 10 साल बाद क्या बच्चों, स्थापना। राजस्थान की बात चलती, ठीक है, उतार लो डायग्राम से जिससे इजीली याद रहे।
एवं 1957 में ही पशुपालन विभाग जयपुर में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आगे बात समझ। अब अगला टॉपिक, आजादी से पहले और आजादी के बाद, 1947 से पहले और 1947 के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, कि प्रथम पशुगणना, क्या पूछा जाता है, प्रथम आजादी से पहले प्रथम पशुगणना, स्टार लगा के लिखना, आजादी से पहले स्टार लगा के लिखना बच्चों, और बॉक्स में डाल के स्टार लगा देना, आजादी से पहले प्रथम पशुगणना 1919 में हुई, एवं आजादी के बाद राजस्थान में पशुगणना, एवं आजादी के बाद राजस्थान में प्रथम पशुगणना 4 साल बाद हुई, 1951, पशुगणना 1951 में हुई। आजादी के बाद प्रथम पशुगणना 1951 में हुई, ब्रैकेट में लिख लो 4 साल बाद, ठीक है, 1947 में 4 जोड़ दो, 1947 प्लस 4। अब देखिए 4 क्यों जोड़े, ये भी बताई थी मैंने आपको ट्रिक, गाय भैंस बकरी सबकी कितनी टांगे होती है, 4 जोड़ प्रथम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया राजस्थान में प्रथम पशुगणना 1951। आगे बात समझ, आप लिखिए पशुगणना, 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना, कंपेरेटिव चार्ट, तुलनात्मक विवरण 19वीं पशुगणना एवं 20वीं पशुगणना, 19वीं पशुगणना एवं 20वीं पशुगणना का तुलनात्मक अध्ययन, तो ये लाइन खींच लो, 19वीं पशुगणना कर दो, इधर 20वीं पशुगणना कर दीजिए, ठीक है, चार्ट बना दो ऐसा, 19वीं पशुगणना और 20वीं, अभी जो चल रही है कौन सी चल रही है, 20वीं पशुगणना, राजस्थान की बात हो रही, और इधर क्या 19वीं, तो स्टार लगा के लिखिए, 19वीं पशुगणना 2012 में हुई, पहला पॉइंट लिखिए, पशुगणना 2012 में हुई, इधर लिखिए 20वीं पशुगणना 2019 में हुई, अब लिखिए स्टार लगा के 19 में क्यों हुई, पशुओं की गणना करने के लिए, हाँ देखिए 19वीं हुई 2012 में, अब 20वीं कब हुई, 2019 में, इसके ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि हर 5 साल में होती है ना, 17 में होनी चाहिए थी, 12 के बाद 17, तो 2 साल एक्स्ट्रा क्यों लगे, लिखिए, हाँ लिखिए ब्रैकेट में, पशुओं का ऑनलाइन डाटा, एंट्री करने के लिए पशु विभाग जितने भी पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारियों को टेबलेट कंप्यूटर एवं मोबाइल
उपलब्ध कराने के कारण दो साल एक्स्ट्रा लग गए, दो साल अतिरिक्त लग गए, क्योंकि पशुगणना प्रत्येक 5 साल में होती है। अब लिखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट लिखिए, टोटल पशुओं की संख्या। क्या लिखो बच्चों? टोटल पशुओं की संख्या 19वीं में लिखो और इधर लिखो 20वीं में। दूसरा पॉइंट लिखिए, टोटल पशुओं की संख्या, कुल पशुओं की संख्या सत्तावन पॉइंट सात मिलियन थी 19वीं गणना में, पशु गणना में कितनी थी बच्चों? 57.7। और 20वीं जो गणना हुई वो आई की हुई 56.8 मिलियन। कितनी बच्चों? 56.8। अभी जो करंटली है कितने पशुओं को मार दिया गया? 56। अब तक 56 मूवी देखी होगी, 56.8 मिलियन पशु अभी राजस्थान में, किसी जनगणना के अनुसार, 20वीं के अनुसार। तो अब तक कितने पशु मर गए बच्चों? 56। याद रखने की ट्रिक, तो 56.8 मिलियन के पशु अभी है। और मैंने बोला गाय भैंसों के अलावा सब में घटोतरी हुई है, तो मतलब मैक्सिमम घटे हैं, तो पहले ज्यादा था इसका मतलब। तो 57.7 मिलियन कौन थे बच्चों? 19वीं जनगणना में पशु थे। अब स्टार लगा के लिखो इधर ही 20वीं जनगणना में 1.6% पशुओं की कमी हुई है, लगभग 1.6% पशुओं की, लगभग 1.6% प्रतिशत पशुओं की क्या हुई है बच्चों? कमी हुई है। अब यह भी लिख लो, आपको पता नहीं तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। बात किस में करेंगे बच्चों? अपन मिलियन में। और मैंने तरीका बता दिया, यदि इधर करें पॉइंट इधर लगा दें तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों? करोड़। और इधर लगा दें तो इधर क्या हो जाएगा? लाख। हाँ या ना? लिख लो ये लाइन भी, यदि भूल जाओ तो एग्जाम में आप याद रहेगा ना। चलो अब देखिए तीसरा पॉइंट, गाय हमारी माता है, गाय के अंदर क्या होता है बच्चों? 36 करोड़ देवी देवों का वास बन गया। पूजनीय होती गाय, क्या होती बच्चों? पूजनीय होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। गाय को पूजा जाता है, क्यों पूजा जाता है? क्योंकि गाय के अंदर देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। गाय किसकी है? आपकी है, तेरी गाय है। तो नो अत्याचार, किसी प्रकार को उसको दंडित नहीं किया जाएंगे, उसकी पिटाई नहीं की जाएगी, उसको मारा कुटी नहीं की जाएगी। तेरी गाय है, नो मारा कुटी। क्यों? क्योंकि उसमें देवी देवताओं का वास है। मतलब आप गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो तो इसका मतलब भगवान पे अत्याचार कर रहे हो। तो देखिए आता है क्वेश्चन 19वीं और 20वीं का, तो हम बात करते हैं कि दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो 20वीं में गाय तेरी है, नो अत्याचार। तेरी गाय है, उस पर किसी प्रकार का नो अत्याचार, तो 13.9 मिलियन अभी काउंट की गई। कितनी करी गई है बच्चों? गायों की संख्या 20वीं में लिखो 13.9 मिलियन, 13.9। और 13.3 थी अपने किस में? 19वीं में। बड़ा है घटा है? गाय भैंसे बड़ी है क्यों? तो 13.3 और 13.9, 13.9 में से 13.3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.7 मिलियन की क्या होगी बच्चों? बड़ो आप माइनस कर लो, हाँ ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि 20वीं का पूछता है गायों की संख्या, तेरी गाय है, नो अत्याचार। तेरी गाय है, तेरा नो अत्याचार, क्या हो बच्चों? अभी रिसेंटली 20वीं में क्या है? 13.9 मिलियन गायों की संख्या है। कितनी बच्चों? 13.9।
और जब 19वीं में बात करते हैं तो कितनी थी, 13.3 मिलियन, तो डिफरेंस निकाल सकते हो, आ गई। तो बढ़ोतरी हुई है, कटौती हुई है। अब देखिए भैंस, इधर लिख लो बफेलो, ये काउ हो गई, इधर भैंस लिख लो, भैंस में लिख लो 13.7 मिलियन, 20वीं में लिखो, क्या लिखो बच्चों, 13.7, डाटा याद कराता हूं इसका पूरा, और इधर आपके हो गई 13 मिलियन। अब देखिए कैसे हुई, अब गाय भैंसों का दूध पी पी के अपन क्या होता है, फैट की मात्रा किसमें होती है ज्यादा, भैंस में, क्या होती है बच्चों फैट की मात्रा, क्या भैंस भी आपकी है, तेरी ही भैंस है, तेरी गाय है, तेरी ही भैंस है, ठीक, लेकिन साथ में फैट ज्यादा होता है, साथ क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए भैंस का, और सबसे जो ट्रिप्टोफिन एमिनो एसिड मेमोनी एनहांसर, देसी गाय का जो दूध होता है वो सबसे माना गया, दूध कम देती है लेकिन क्या होता है इसमें ट्रिप्टोफिन एमिनो एसिड, कौन सा, A2 मिल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, A2 मिल्क बोलते हैं, क्योंकि लोगों को तो क्या आदत पड़ गई है दूध का प्रोडक्शन करने की, तो हमेशा जो फायदेमंद जो दूध होगा वो क्या होता है, देसी गाय का दूध, क्योंकि देसी गाय के दूध में ट्रिप्टोफिन एमिनो एसिड होता है जो सेल्स मेमोरी एनहांसर होता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्या करता है बच्चों, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, और साथ के साथ क्या करेगा, ये आपके क्या करेगा, मेमोरी एनहांसर बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ाएगा, और साथ के साथ इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और जो कैंसर सेल्स है, जो कैंसर की जो डिविजन होता है, जो कोशिकाएं जो होती हैं, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण, अनकंट्रोलेबल डिविजन, अनियंत्रित कोशिकाएं, वही आपके क्या कहलाती, कैंसर कहलाती, क्या कहलाती बच्चों, उन कैंसर कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देता है गाय का दूध, मतलब ग्रोथ होने ही नहीं देता, मेमोरी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा देसी गाय का दूध, और साथ के साथ क्या होगा, मेमोरी आंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैंसर सेल्स को बनने ही नहीं देगा, इतना शानदार होता देसी गाय, पहले देसी गाय ही चलती थी, आजकल तो सब विदेशी लाके दूध बेचना है, पैसा कमाना है, इसलिए बीमारियां बढ़ गई ज्यादा ज्यादा, मेमोरी कमजोर हो गई, लोगों को याद नहीं होता टीचर का पढ़ाया हुआ, रोग प्रति, कोरोना ने अटैक कर दिया, कोरोना क्यों हुआ, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से, है ना, वायरस की वजह से। अब देखिए वो तो आप काउंट कर लो, मिलियन में चल रहे तो जो अपन को ज्यादा टेंशन नहीं करनी, लाख है तो 10 से गुणा कर दो, करोड़ है तो 1 पॉइंट इधर लगा, आगे वैसे मिलियन में। अब साथ में क्या पीना चाहिए, साथ में भैंस का दूध पियो, दो अच्छा अच्छा फैट मिले साथ में, आपको फैट की मात्रा बढ़े, तेरा तो है, तेरी गाय भैंस है कोई दिक्कत नहीं है, तेरी गाय भैंस है, गाय पैर नो अत्याचार, और साथ में क्या होगा, भैंस का फैट वाला वसा युक्त दूध, तो 13.7 क्या है, मिलियन क्या है बच्चों, भैंस है, कितनी है बच्चों, भैंसों की संख्या कितनी है, 13.7 मिलियन, हाँ, और बड़ी है, पहले कितनी थी, 19वीं में कितनी थी, 13 ही थी, तो 0.7 मिलियन की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, हुई नहीं हुई, अब चलो बकरी 20.84 मिलियन, अभी जब हमने काउंट किए तो 20.84 मिलियन बकरियां अभी 20वीं में, कितनी है बकरियां बच्चों, 21.6 थी पहले, देखो हम बात करते हैं 20.84 मिलियन बकरियां थी, कितनी थी अभी काउंट की गई जो 20वीं जनगणना में 20.84, बस बकरी 20.84 बिफोर बकरी 20.84 मिलियन क्या थी अभी हमने काउंट की, जब काउंट की मैंने कहा सब में क्या हुई है घटोत्री, अब बकरी बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, पहले देखिए तो 21.6 मिलियन थी, तो अब कितनी रह गई 20.8, तो कमी हुई ना, तो बकरियों में क्या होगा डिफरेंस करो, इतने मिलियन बकरियों की कमी हुई, हाँ या ना पक्का,
चलो बकरी के बाद आप बात करो भेड़, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा। ये चार क्वेश्चन तो ऐसे पक्के आते ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भेड़, भेड़ से हमें प्राप्त होती है ऊन, क्या प्राप्त होती है? अरे ठंड लाग गिरे, भेड़ से ऊन प्राप्त करना जा, यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमें शीप का पता, अरे भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? ऊन प्राप्त होती है, और ऊन क्या करती है? ठंड को रोकती है ना। ठंड उर हम गए कुल्लू मनाली शिमला गया, पता चला टेम्परेचर कितना है 7.9, ठंड बैठ गिरे वाया, ठंड बैठ गई, ऊनी कपड़ा लाओ, ऊनी जैकेट लाओ, ऊनी सब कुछ लाओ। ऊन कहां से प्राप्त होगी? भेड़ से प्राप्त होगी। और टेम्परेचर कितना है बच्चों? 10 से नीचे गए, और 10 से नीचे गए 7.9 डिग्री टेम्परेचर। कितना बच्चों? 7.9 डिग्री टेम्परेचर। कुल्लू मनाली शिमला अपनी शादी हुई है, नहीं नहीं घूमने के लिए हनीमून के जा रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गए हो, कृषि प्रवेशक हो, नौकरी तो छोकरी, नौकरी तो छोकरी, अच्छी सरकारी नौकरी को क्या मिल गई? छोकरी मिल गई। जा रहे हो कुल्लू मनाली और बढ़िया आराम तो घूम फिर के आ रहे हो, सब सरकारी नौकरी है। देखा तो कुल्लू मनाली का टेम्परेचर 7.9, तो हमने देखा, अरे भैया 7.9 मिलियन क्या है बच्चों? बेड़े जो अभी काउंट की, कितनी इकन 7.9। तो याद रखने की ट्रिक क्या हुई? 7.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ठंड में क्या चाहिए? ऊनी कपड़े, और ऊनी कपड़े कहां से प्राप्त होती है? बेड़ से। कहां से प्राप्त होती है बच्चों? बेड़ से। और जब हमने देखा 19वीं में, और भैया 9.1 मिलियन थी, जब हमने चेक किया तो पता चला सबरी बेड़ 9.1 मिलियन 19वीं में थी जनगणना में, और अभी हमें कितनी प्राप्त हो गई बच्चों? 20वीं में हमें 7.9 ऊनी कपड़े चाहिए, कहां से प्राप्त होगी? बेड़ से। टेम्परेचर कितना था कुल्लू मनाली का? 7.9। तो हम क्या बोलेंगे? 7.9 मिलियन अभी भेड़ थी। अब क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई बहुत ज्यादा, पहले कितनी थी? 9.1। हाँ या ना? तो ये अपन को याद, आगे बैठा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये लिख लिया इसको, कंपेरेटिव चार्ट लिखिए, एक स्टार लगा के एक चीज और याद कराता हूं आपको, स्टार लगाओ। क्या देखिए, ऐसे जिले, इधर लिखो जिले मैक्सिमम, इधर लिख लो जिला मिनिमम, सबसे कम और सबसे ज्यादा लिखो, सबसे कम और सबसे ज्यादा। अब देखिए, जब हमने देखा कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और अब मैक्सिमम ऐसा जिले का नाम बताओ जिसमें बकरियों की संख्या ज्यादा है और बकरियों की संख्या कम है, जब कंपेरेटिव चार्ट किया गया तो बताइए, बकरियों की तो बाढ़ आ गई। ऐसे जिले का नाम बताओ जब बकरियां ही बकरियां, बकरियों की तो क्या आ गई बच्चों? बाढ़ आ गई। तो बाढ़ से एक ही जिला होता है, क्या होता है बच्चों? बाड़मेर। अरे याद रहेगी बाड़मेर। बकरियों की तो क्या आ गई बच्चों? बाढ़ आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे जिले का नाम बताओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बकरियां कौन से जिले में अभी सबसे ज्यादा है, किसमें? बकरियों की तो क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो कौन से जिले को टिक करना है? बाड़मेर को। और ऐसा जिला जब बकरियों की कमी हो गई, बकरियों को दो दो के चमका चमका के दो दो के उसकी ऐसे ऐसी कर, धौलपुर बकरियों को नीला दुला के दो के, तो धौलपुर दो के उसकी ऐसे ऐसी कर दी दौड़ती हूँ धौलपुर। आयो ना आयो मजो? तो पूरे डाटा याद होंगे, ऐसी सारी बीमारियां नस्लें बिना देखे याद होने वाली आप। तो सबसे ज्यादा बकरियों की बाढ़ कहाँ गई? बाड़मेर में। और दो के उसकी ऐसी तैसी कर दी धौलपुर। तो सबसे कम बकरियां कहाँ है बच्चों? धौलपुर में। घोड़ा जिसको हम बोलते हैं अश्व घोड़ा हॉर्स,
आपको तो याद है बीकानेर, और होगा क्या करें, इतने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको भी तो याद हो। ऐसा बताऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। 2007 से एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा हूं और रग रग में ब्लड में दौड़ रही है और ऐसी हो जाएगी एनिमल हस्बेंड्री। अरे साहब ये तो कितना इजी पेपर बना है, अपने बच्चों के लिए इजी है, औरों के लिए इजी नहीं है। अब देखिए घोड़ा हमें पता है, घोड़े के बाद जब शादी होती है तो घोड़ी पे क्या होता है, तोरण मारने जाता है या निकासी निकलती है, पता ही था तो सबको। अब पता हो तो उसका शुभारंभ किया जाता है, जब घोड़ी पे आप बैठते हो तो चने खिलाए जाते हैं उसको। क्या खिलाए जाते हैं, चने खिलाते हैं ना, भीगे हुए चने। और चनों से क्या प्राप्त होता है, बेसन। क्या होता है चनों से, क्योंकि घोड़ों को अपन क्या खिलाते हैं, चने। निकासी पे जा रहे हो भैया, शादी हो रही है, गणो छोरी लाड़ी आ रही है, गड़ी दुल्हन आने वाली है, तोरण मारना है, निकासी निकालनी है, तो स्टार्टिंग किससे करते हैं, घोड़ों को चना खिलाया जाता है। और चना किसका बना होता है, बीकान ये इसके का बेसन का, और बेसन से जो होती है भुजियाएं बनती है, और सबसे ज्यादा बीकानेरी भुजिया फेमस है। किसकी, बीकानेर। तो सबसे ज्यादा जो घोड़े है बीकानेरी भुजिया, बीकानेर में सबसे ज्यादा घोड़े। तो बढ़ोतरी का हूं ये बच्चों, सबसे ऐसे जिले का नाम बताओ जहां सबसे ज्यादा घोड़े, बीकानेर। क्यों, बीकानेरी भुजिया फेमस है, बीकानेरी नमकीन पसंद है। तो घोड़े को क्या है, चना खिलाते हैं, चने से क्या प्राप्त होगा, क्या बेसन, और बेसन आते ही क्या कितनी करना है, बीकानेर। मजा हो रहा है, क्या होगा बच्चों, बीकानेर। तो सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ है बच्चों, बीकानेर। जब हमने देखा भैया बीकानेर में है तो कम की बात, अब क्या चल रहा, आप तोरण मारने जा रहे हो, वाह वाह मजा आ गया। अब थोड़ा आपका गांव क्या, थोड़ा ऊंचाई पे, कहा है बच्चों, डूंगर पे घर है, डूंगर पे। अब घोड़ा फिसलेगा पीछे की तरफ, तुम तो डांस करके आगे बढ़ रहे हो, और घोड़ो जैसे ही चढ़ाई पे चढ़ेगा डूंगर पे चलेगा, ये डूंगर है और ये आपका घोड़ा चल रहा है, तो कठिनाई आएगी नहीं आएगी। तो सबसे कम क्या होंगे, डूंगरपुर में। तो सबसे कम घोड़े कहां मिलेंगे बच्चों, डूंगरपुर। आया हुआ क्वेश्चन है एग्रीकल्चर, सबसे कम घोड़े कहां है और सबसे ज्यादा कहां है। भैया घोड़े को चना खिलाया तो क्या हो गया बच्चों, बीकानेर। और घोड़ों को जब तोरण मार रहे हो, दुल्हन लेने जा रहे हो, डूंगर पे कठिनाई आती है तो डाउन पड़ेगा, तो डाउन हो गया घोड़ों का डूंगरपुर में। तो सबसे कम घोड़े कहां है, डूंगरपुर में, और सबसे ज्यादा घोड़े कहां है, बीकानेर में। आया ना, हमारी गाय माता आ गई, गाय, गाय पे नो अत्याचार, तुम्हारी गाय नो अत्याचार, 13.9 मिलियन गाय, कितनी थी, 20वीं जनगणना में 13.9 क्या थी अपने पास गायियां थी। तो भैया गाय है, 36 करोड़ देवी देवताओं का उदय होता है उसमें, क्या होता है बच्चों, 36 करोड़ देवी देवता उदय होता है, उदय से एक ही जिला आता है उदयपुर। तो गायियां सबसे ज्यादा कहां बच्चों, उदयपुर में। आया ना, तो आता है क्वेश्चन की गायों की संख्या, ऐसा जिले का नाम बताओ जहां आपके सबसे ज्यादा गायियां हैं, वो आपका उदयपुर। आया ना, भूलोगे तो नहीं। अब गाय की बात हो गई, तो गाय के बाद में ये भी बता दूं आपको, आपने क्या किया था, बकरी को धोया था अच्छे से, गायों को भी धो के रखते हैं, तो वापस चलो धौलपुर। तो मिनिमम कहाँ है, धौलपुर। गायों को धो दिया, और किसको धोया है अपने, बकरियों को। बकरी को और गाय को धोना है तो मिनिमम बकरियां धौलपुर और मिनिमम गायियां धौलपुर, और घोड़ा डूंगर पे चढ़ने में कठिनाई आती है तो डूंगरपुर आ गई। तो घोड़ा सबसे ज्यादा बीकानेर और सबसे कम डूंगरपुर। अगला एक और लिख लो, भैंस। भैंस क्या है बच्चों, भैंस। खा के मोटी मोटी, गणो मोटी, बड़ो मोटो, दूध पी पी के क्या हो गए, फेट बढ़ा लिया, दरवाजे के अंदर माई नहीं रहे, गए मोटो मोटो मोटी। जयपुर, जय हो महाराज, जय हो महाराणी जी, जय हो, गणो दूध पिया भैंस को, गणो भैंस पिया, जय हो जय हो जय हो महाराणी जी। मोटे लोगों को जय हो साहब, आपकी तो जय हो। जैसे क्या होगा,
जयपुर भैंसों की संख्या ऐसे जिले का नाम बताओ जहां भैंसे अधिक मात्रा में, क्या है बच्चों? जयपुर। भैंसों की संख्या क्या है बच्चों? बहुत ही ज्यादा है। हमने देखा जयपुर में भैंसों की कमी नहीं है। अब ये तो आपको पता ही, सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर। तो भैंस जे हो भैया, इतना मोटा मत किया भरो, जे हो आपकी, जे हो कम खाओ कम पीती, इतना ज्यादा दूध मत पियो, घनी मोटी दूध पीती है भैंसों की। जे हो जयपुर, और जैसे क्या हुआ? जैसलमेर। कम पियो दूध, भैंस का दूध क्या हो? कम पियो। जैसलमेर डूंगर पे कौन नहीं चढ़ता? घोड़ा। और बकरियों को और किसको धोया था आपने? गायों को धोया था। तो मिनिमम गायियां और मिनिमम बकरियां कहाँ हैं? धौलपुर में। और बाढ़ किसकी आई थी? बकरियों की बाढ़ आई थी, बाढ़ में बकरी। और चने कौन खाता है? घोड़ा। वो चने से क्या मिलता है? बेसन। तो बीकानेर क्या हो गया बच्चों? बीकानेर। आगे बात समझ में? ये चार चीज हाँ या ना? चलो आगे, ये वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। अब राजस्थान में भारत का स्थान, भारत में राजस्थान का कौन सा कहाँ स्थान है? लिखिए अगला टॉपिक, राजस्थान का भारत में स्थान पशु गणना में। पशुओं की जब गणना की गई पूरे इंडिया में, कहाँ की गई? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा आएगा। कौन सा ये आएगा? स्टार पॉइंट लगा के अगले में आएगा, है ना? मिसेलियस पॉइंट होंगे ना उसमें सारा, उसमें ऊंट भी आएगा, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। अभी तो इंपोर्टेंट पे जा रहे हैं, आपके ऊंट भी आएगा, खरगोश भी आएगा, सुअर भी आएगा, लेकिन उसका अलग है। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से, है ना? जब टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तब मैं बताऊंगा, एक लाइन याद करनी है उसमें सारे कंप्लीट, ठीक है? नहीं, इसी इसको फिनिश होने के बाद, है ना? अब देखिए राजस्थान का भारत में स्थान क्या होगा बच्चों? भारत में इतना सारा है, जब काउंटिंग की गई तो राजस्थान का कौन सा स्थान है आने की संभावना बनती है? क्या होती है बच्चों? आने की संभावना होती है। अब हम पहले बात करते हैं पर राजस्थान का भारत, भारत में राजस्थान कहाँ कहाँ राजस्थान टेक करता है, मतलब पूरे इंडिया में जब हम काउंट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? जब हम काउंट करते हैं, बाद में करवा देने यार, तो बाद में करवा देने यार, आप भी यार। अब देखिए आवाज कम कर दो भैया, बाद में कर लेना थोड़ा। प्रथम स्थान राजस्थान का, पूरे इंडिया में जब हम पशु को गिनने बैठते हैं तो राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस पशुओं में, जब हम काउंट करते हैं पूरे इंडिया में जब काउंटिंग चलती है तो हम गिनते हैं, तो हमने देखा कि राजस्थान ने प्रथम पकड़ कहाँ जमा रखी है, प्रथम स्थान किस चीज में पशुओं में? गप। लिख लो फिर ट्रिक बता दूं, गधा बकरी ऊंट। ये आवाज मत करो भैया यार, थोड़ी देर की बात, पहले लिख लो फिर ये आवाज बंद हो जाएगी, ट्रिक बता दूं। भारत में राजस्थान का गधे, गधे बहुत है राजस्थान में, कमी नहीं है गधों की, प्रथम स्थान प्राप्त कर रखा है। दूसरा बकरी, दूसरा स्थान ऊ गप्पू, गप्पू ध ऊ ऊंट में प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान राजस्थान का गधो, द्वितीय स्थान बी फॉर बफेलो आता है, एक के बाद क्या आता है? एक के बाद क्या आता है बच्चों? बी, बी मतलब द्वितीय स्थान, बी, बी से बफेलो, बफेलो बोले तो भैंस,
तो भैंसों को जब इंडिया में गिनने लगेंगे तो राजस्थान का क्या होगा, द्वितीय स्थान आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है प्रथम स्थान में तो किस तीन पोजीशन बना रखी है, गब्बू गधे, कमी नहीं राजस्थान में गधों की, बकरियों की कोई कमी नहीं है राजस्थान में, और ऊंट की कोई कमी नहीं है। तीसरा स्थान है अश्रु, तृतीय स्थान राजस्थान का इंडिया में तृतीय स्थान अश्रु। अश्रु में कितने शब्द हैं घोड़े में, अश्रु अश्रु मतलब घोड़ा, तो अश्रु में कितने शब्द हो गए बच्चों, तीन। तो अश्रु घोड़े जो है तृतीय स्थान पर रहा है, किस पर रहा है बच्चों, तृतीय स्थान पर रहा है अश्रु घोड़ा। चतुर्थ पर रहा है भेड़े, पहली बार हाँ गधवार आया था पिछली बार, भेड़ वाला क्वेश्चन आया हुआ है चौथा स्थान। अब देखिए भेड़, ये हो गई भेड़, एक दो तीन चार, भेड़ क्या हो गई बच्चों, भेड़। तो उत्तर चौथे स्थान क्या है, पांचवा स्थान राजस्थान का कहीं में भी किसी चीज में नहीं है, है? पांचवा स्थान नहीं है किसी पशुओं में, किसी पोजीशन में रहेगी। छठा आपने देखा हो युवराज सिंह, छह बोलों में छह छक्के मारे थे, उसकी हिस्ट्री पता है आपको, देसी गाय का दूध मंगाता था वो, सुबह शाम क्या करता था, देसी गाय का दूध पीता था। और उस दिन तो क्या उसको ब्रेकफास्ट मिला नहीं युवराज सिंह को, जिस दिन छह बोलों पे छह छक्के मारे उसने, उसको क्या हुआ, दूध ही नहीं मिला, मतलब नाश्ता नहीं मिला, खाना नहीं मिला, केवल उसने होटल के अंदर 6 लीटर दूध पिया था, किसका, देसी गाय का। और छह बोलों पे छह छक्के मारे थे, कौन सी गाय का दूध पिया था उसने, देसी गाय का दूध पिया था। तो छठा स्थान है राजस्थान का किसमें, पूरे इंडिया में जब गाय काउंट की गई तो गायों में तृतीय स्थान राजस्थान का आता है, किसका आता है बच्चों, गाय, छठा स्थान राजस्थान का। हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि भारत में छठा स्थान किस पशुओं के लिए, राजस्थान का कौन सा स्थान होगा छठा, छक्के लगे थे, छक्के किसने मारे थे, छह बोलों पे छह छक्के, युवराज सिंह ने क्या पिया था, क्या नाश्ता मिला था, क्या उसको खाना मिला था, क्या केवल एक चीज मिली थी, क्या, देसी गाय का दूध। पूरा याद रखो, दूध भैंस को भी हो सके, ऊंटनी को भी हो सके, देसी गाय का दूध पिया था। तो दूध पियो और छक्के उड़ाओ, लेकिन गाय कौन सी होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। तो भारत में राजस्थान में जब हम काउंट करते हैं तो छठे स्थान पे क्या आती है बच्चों, गाय आती है। जी क्या वाले सर आ गए, वो लड़की आ गई सर रिसेप्शन में, हेलो, हाँ ऊपर आ जाओ, कहाँ खड़े हो, आ जाओ ऊपर आ जाओ, ठीक ठीक आ जाओ आ जाओ, ठीक है बच्चों, गलत कह रहे हैं ना। तो यही तो वो सपना है, ये है कॉन्सेप्ट, मैं आपको जो बताऊंगा ना, एनिमल हस्बेंड्री का कोई सी बुक उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो ना मुझे बता देना, सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। अब जीके क्लास का टाइम हो गया आपका, ठीक है ना, अगला दूध वाला डाटा ये सब चाहिए था ना बस, ये सारे डाटा आपको पूरा यूपीएससी से मिलेंगे, कोई डाटा आपका गलत नहीं होगा, अगली क्लास होने वाली जीके की, ठीक है।